वालेकुम जी तो रियस्टूरेंट्स कैसे हैं ठीक है मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे ये है जनाब फ़र्स्ट टाइम का फैसलाबाद आबाद बोर्ड का इंग्लिश का पेपर उसका हमने जो सोलूशन है सॉल्व किया है ऑब्जेक्टिव पेपर वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं लिहाजा ग़ौर से देखिएगा पिक्चर बड़ी धुंधली सी है फिर भी आ, आप ज़रा ग़ौर करके ये वीडियो देख लीजिएगा पहला जी क्वेश्चन है दी बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ नाउ आ गया तो इस मार्क के बाद फेल की चौथी फॉर्म आनी थी तो बी ऑप्शन दुरुस्त है ठीक है जी फैसलाबाद बोर्ड इंग्लिश का नहम क्लास का ऑब्जेक्टिव पेपर है देखो डैश इट्स वर्डक्ट ऑन थर्सडे नेक्स्ट थर्ड डे नेक्स्ट आ गया है तो ए ऑप्शन दुरुस्त होगा विल शेल के बाद फेल की पहली फॉर्म ए जवाब दुरुस्त था आगे गया जी दी फैगन अरब स्टार्टेड टू डैश फ्रेशर तो टू के बाद फेल की पहली फॉर्म आनी थी माउंट एम ओ यू एन टी माउंट बढ़ाना ठीक है जी आई हैव ऑलरेडी ऑलरेडी हैव जुमले में आ जाए तो उसके बाद फेल की तीसरी फॉर्म आती है हैज हैव हैड इसके बाद तीसरी फॉर्म आती है तो ये ए ऑप्शन दुरुस्त था पोस्टेड पोस्टेड ठीक है जी नेक्स्ट एशी वा सिंगिंग अ सॉन्ग वेन आई ठीक है शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग वैन वैन जुमले में आ जाए इसके दो ही हिस्से हो जाते हैं एक जुमले से पहले एक वैन से पहले एक वैन के बाद वैन से पहले अगर वाज बार के बाद चौथी फार्म आ जाए या क्या फार्म आ जाए सेकंड फार्म आ जाए तो फिर हेड के बाद तीसरी आ जाए तो दूसरे हिस्से में हम आ, सेकंड फार्म लगाते हैं वैन आई एंटर्ड दी हाउ ये सी ऑप्शन दुरुस्त है नेक्स्ट uh, स्पेलिंग वाले एम सी क्यूज थे खम फेनियन बी दुरुस्त था सी यू एम खाम फीए फ फे खम फे एन आई नी ओ एन अन कम्पेनियन ठीक है कम्पेनियन भी कहते हैं कम्पेनियन भी कहते हैं हमारी कौन सा जुबान है भैया हमने तो बस बोलना है आ गया जी सुप्रीम -E -E, रीम एस यू पी आर री एम रीम सुप्रीम अल्लाह कहते हैं आ गया पी वट पी आई पी वी ओ टी वट पी वट आ गया जी एब सो ल्यूट पी वट बीज दुरुस्त है सुप्रीम सी दुरुस्त है और जो एब्सोल्यूट है वो भी सी दुरुस्त है ए बी एब एस ओ सो एब सो यू टी ल्यूट एपसो ल्यूट ठीक है जी नेक्स्ट है मीनिंग या एंटोनिम बताने होते हैं तो इट वाज सो डेलिकेट सिचुएशन डेलिकेट का मतलब क्या होता है सेंसिटिव हसास सी ऑप्शन दुरुस्त था नेक्स्ट था जी देर एलोक्वेंस तो एलोक्स अंडरलाइन है इसका हमने मतलब बताना था एलोक्स का मतलब होता है फ्लू एनसी फ्लू एंसी डी जवाब दुरुस्त था नेक्स्ट है जी डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है स्केयर्ड ठीक है नेक्स्ट जी कीप अप योर मोरैल मोरेल का मतलब क्या होता है फॉर्टीट्यूड ठीक है जी नेक्स्ट आते हैं ग्रेजुअली ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है स्टेडिली तो सी ऑप्शन दुरुस्त था तो लास्ट पे डियर फ्रेंड्स आ जाता है ग्रामर के हवाले से हमने चीजें बतानी होती ग्रामर के पहला क्वेश्चन में था वैलर ये नज़र आ रहा है वैलर वैलर क्या है जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वैलर कहते हैं बहादुरी को ऐसी चीज जो ना ना हमें नजर आए ना हम उसे छू सकें तो उसके नाम को हम कहते हैं वैलर तो इसका सी ऑप्शन दुरुस्त था आगे जी पुलिस डिस्पर्स द क्राउड क्राउड

डिग्री तो ये इसका जवाब था डिग्री वाला ठीक है डियर स्टूडेंट्स और लास्ट पे जो एम है वो क्या है सम सम आर ग्रेट बोर्न सम जनाब सम आर बोर्न ग्रेट सम को अंडरलाइन किया हुआ है और उसके बारे में पूछ रहे हैं कि ये कौन सा प्रोनाउन है तो सम वन सम बड़ी नो नो वन नो बड़ी एनी एनी वन एनी बडी ठीक है एवरी वन एवरी वन एवरी बडी तो ये प्रोनाउंस जो होती हैं ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस कहलाती हैं तो ये इसका जो जवाब था वो बी जो ठीक था जी तो डियर स्टूडेंट्स फैसलाबाद बोर्ड वालों ये थी ये फर्स्ट टाइम की नाइन्थ क्लास की इंग्लिश की और ऑब्जेक्टिव पेपर का सोल्यूशन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आप पता चल गया होगा कि आपका इंग्लिश एम में से कितने ठीक हैं और कितने नहीं हैं और लास्ट पर आपने कमेंट करके लाजमी बताना है कि जनाब आपके इतने ठीक हुए थे और इतने गलत और टोटल आपके इतने बने थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लास्ट पर यही कहूँगा हमारे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें एज अ टोकन ऑफ़ अप्रिसिएशन हमारी वीडियोज़ को भी लाइक कर दें अल्लाह हाफिज़ बाय